तो भाई लोग, जब आपने एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, उस टाइम का एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी मदर्स नेम के आगे के 2 डिजिट और आपके आधार कार्ड के पीछे के 4 डिजिट, ये सब जानकारी जो है पहले से संजो के रख लो, क्योंकि जिस वक्त एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आएगा और आते ही साथ एक साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं वेबसाइट पर अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए जो हैं जाते हैं, और उसकी वजह से साइट क्रैक हो जाती है, साइट क्रैक डाउन होने की वजह से जो है ओपन नहीं हो पाती है। तो जितना जल्दी हो सके अपना रिज़ल्ट देख लेना, नहीं तो ये समस्या आने वाली है। साथ ही अब ये लग रहा है कि रिज़ल्ट आने में कोई भी बाधा नहीं है, बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट आपकी ESP की साइट पर आने वाला है, उसकी अपडेट हम आपको पहुँचाएँगे समय से। और इतनी जानकारी जो मैंने आपको बताई है, इतना आप निकाल के रखिएगा, ये नहीं कि अब साइट पर रिज़ल्ट आ गया तो बहुत सारे बच्चे अपना एडमिट कार्ड ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपना एप्लीकेशन नंबर ढूंढ रहे हैं। तो अभी जब रिज़ल्ट नहीं आया है, यही समय है कि इन जानकारी को जो है हम अपने मोबाइल में नोटपैड पे लिख के रखें, या व्हाट्सएप में किसी मैसेज में किसी अपने को, अपने वाले को जो है मैसेज के रूप में भेज कर रखें, या किसी कागज़ पेन पर आप लिख कर रखें कि जब आप चेक करने जाएँ तो आपको ये जानकारी तुरंत मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। तो मेरे प्यारे भोले भोले बच्चों, अपनी ये जानकारी दुरुस्त रखो, आज या कल में तुम देखो कि रिज़ल्ट आने ही वाला है। जैसे कि कल ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 का रिज़ल्ट आ गया, उसी क्रम में अब MP पुलिस कांस्टेबल बनारक्षक जेल प्रहरी का रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, और जैसे ही आएगा उसकी अपडेट जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। चैनल पर बने रहिएगा, साथ ही हम ये नहीं कि केवल रिज़ल्ट का बताएँगे, फ्यूचर में आपको फिज़िकल की तैयारी कैसे करना है, जो भी टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी वो जानकारी हम सारी आपको देते रहेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी।